यूक्रेन को रूस ने अब 3 घंटे की डेडलाइन दे दी है। बेलारूस के गोमेल में बातचीत के इंतजार में रूस का एक डेलीगेशन बैठा हुआ है, वहां पर बातचीत का ऑफर दिया है रूस ने, जेलेंस्की ने मना कर दिया, लेकिन अभी भी रूसी डेलीगेशन वहां पर बैठा हुआ है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे तक इंतजार करेगा रूस और उसके बाद वो फिर अपने सैन्य ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। मीटिंग के इंतजार के बीच बेलारूस के तानाशाह ने धमकी दी है कि आए और बात करें नहीं तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट जाएगा, ये कहा है लुकाशेंको ने। देखिए मेरे साथ इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ रजनीकांत वर्मा साहब हैं, आप फॉर्मर हाई कमिश्नर हैं यूके को, और हमारे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सर डिप्लोमेसी मुझे समझाइए इसमें, ये बहुत इस वक्त ऑन ऑफ चल रहा है दोनों देशों की तरफ से बातचीत को लेकर। रजनीकांत सर, ये क्या कोई प्रेशर टैक्टिक है रूस की कि यूक्रेन को घुटनों पर लाएं, बिना किसी नेगोशिएशन पावर के बातचीत के टेबल पर लाएं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अब युद्ध आगे खींचे? ये जो हो रहा है इसका ओरिजिन कहिए, जहां शुरुआत हुई है वो ये है कि जब रूस पहले सोवियत यूनियन होता था, जब डिसइंटीग्रेट किया 1991 में, तब उसको ये विश्वास दिलाया गया था कि नेटो और बढ़ के उसकी सीमा तक नहीं आएगा, मगर जब से ये हुआ 1991 समझिए से लेके अभी तक धीरे धीरे नेटो बढ़ता गया और अब रूस के एकदम सीमा तक आ गया है। तो पहले तो बाल्टिक स्टेट जो कहते हैं वो नेटो के मेंबर्स हुए, तो उसके बाद चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, नेटो की वजह से पूरा विवाद हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है, बातचीत का ऑफर रूस ने दिया है जेलेंस्की को बेलारूस के गोमेल में, लेकिन जेलेंस्की वो बातचीत के ऑफर को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि 3 घंटे का वक्त दिया है रूस ने। आपको लगता है ये कोई दबाव बनाने की रणनीति है रूस की तरफ से? हाँ, रूस नहीं चाहता कि ये बढ़ता चला जाए और चलता जाए, और यूक्रेन के हित में भी नहीं है कि बढ़ता जाए चलता जाए। और इनको पश्चिमी देशों ने कुछ बेवकूफ़ बनाया यूक्रेन वालों को, खुद तो लड़ने को तैयार नहीं है, जो मरे जा रहे हैं, जिनका मुल्क बर्बाद हो रहा है वो तो यूक्रेन है। और ये जो प्रोपेगेंडा होता है, कहते हैं अंग्रेजी में इन एनी वॉर ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी, तो ये कहना कि हमने इतने जहाज मारे, इतने लोग कैदी किया, इतने मारे, तो ठीक है, मगर कहाँ रूस कहाँ यूक्रेन, कम से कम 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना ताकत है रूस के पास, यूक्रेन जीत नहीं सकता रूस से। ठीक है, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।